तो फ्रेंड उस दिन मैंने कही थी आप लोगों से कि मेरे हस्बैंड ने जो मैचिंग का ये ला दिए हैं ज्वेलरी, वो देखिए आज मैंने थोड़ा सा फुर्सत में बोलने से भी होगा, देखिए मैंने ये मैचिंग का पूरा सूट लगाया। देखिए ग्रीन रेड है ना, ये कितना अच्छा लग रहा है ना पूरा मैचिंग में। देखिए मेरे को याद नहीं था कि ये सब सूट है, मतलब मैं क्या करती हूँ, भूल जाती हूँ। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह से आप लगा भी सकते हैं। इसका डिजाइन भी कितना अच्छा है, लगाने से अच्छा लग रहा है ना, उतना गरीब मतलब उतना खास नहीं लग रहा था, देखिए लगाने से अब अच्छा लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है ग्रीन ग्रीन पूरा। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए येलो में, ये मैंने दिखाया था आपको, ये भी येलो में देखिए, ये कान का सेम की डिजाइन है दोनों का, येलो सूट भी है पर मैंने निकाला नहीं है, साड़ी निकला हुआ था, मैंने शॉर्ट्स बनाने के लिए मैंने यूज कर रखा था साड़ी, इसलिए मैंने साड़ी में भी किया, येलो में भी बहुत सारा सूट्स है, कुर्ती भी है। तो देखिए येलो में कैसा लग रहा है, आप लोग को भी लग रहा होगा अगर ना चलेगा है ना इतना, तो देखिए ऐसे हल्का फुल्का कहीं भी जा सकते हैं ऐसे पहन के साड़ी के साथ हो। देखिए कैसा लग रही हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ मैं अच्छी नहीं लगी फिर भी कोई बात नहीं, मेरा ये तो अच्छा लग रहा है साड़ी के साथ पूरा मैचिंग में ना फ्रेंड। देखिए तो मैं चल रही हूँ आपको अब दूसरे ड्रेस की तरफ, ठीक है फ्रेंड। देखिए ये है मेरा थर्ड कलेक्शन, देखिए ये ग्रीन और गोल्डन में है, मेरा ये क्रॉप टॉप भी ग्रीन और गोल्डन में है, इसमें थोड़ा रेड है। तो फ्रेंड देखिए कैसे लग रहा है मेरा ये माला के साथ ये ड्रेस, पार्टी में भी आप जा सकते लगा के, देखिए खराब नहीं लग रहा है ना, खराब लग रहा है बोले तो आपको नहीं ना, ठीक है ऐसे भी आप लोग लगा के जा सकते हैं। ये कितना सुंदर पूरा मैचिंग हो रहा है, थोड़ा भी मतलब अलग सा नहीं लग रहा, देखिए पूरा मैचिंग है, ये जो ग्रीन ग्रीन है और ये जो गोल्डन का बना हुआ है पूरा मैचिंग कर रहा है। तो देखिए मैं पूरा फूल नहीं कर रही हूँ वीडियो, फुल मतलब फुल नहीं दिखा रही हूँ, ये सब तो ड्रेस आप लोग को पता है, ये रहा। तो बोलिए देखिए कैसा लग रहा है, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, आप इस तरह का ज्वेलरी लेने से भी कोई लॉस नहीं है ना फ्रेंड। देखिए लगा के आप लोग ऐसे लगा के मतलब जा सकते हो, घूर सकते हो है ना, पार्टी में भी जा सकते हो, देखिए कोई ख़राब नहीं है, आप सामने सामने पिकनिक है बर्थडे पार्टी है इस टाइप में भी आप ऐसे लगा के जा सकते हो है ना, देखिए कोई ख़राब नहीं लग रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है, आप लोगों को भी नहीं लगना चाहिए है ना। और मैंने हेयर स्टाइल तो नहीं किया है, आप लोग पता है मेरा ऐसे सिंपल है और जितना है बस यही। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस में, ठीक है। तो फ्रेंड मैं एक सॉन्ग में डांस करने वाली हूँ जो उसका नाम है मोर 17 साल हो गए लग रे, हे पापा हे दादा हे पापा शादी कराए दे रे मैं जोड़ी चुमाए दे, शादी कराए दे रे मैं जोड़ी चुमाए दे, मोर 18 साल हो गए लग रे, मोर 18 साल हो गए लग रे, हे दादा हे दादा हे दादा शादी कराए दे रे मैं जोड़ी चुमाए दे, शादी कराए दे रे मैं जोड़ी चुमाए दे। वो अभी इसमें मैं जस्ट शॉर्ट्स की, मैंने सोचा एक बार आप लोग को भी डांस करके दिखा दूं, ठीक है। तो चलते आगे कंटिन्यू करिए। तुम्हें बोलना पसंद है मुझे बोलते हुए तुम, तुम्हें हंसना पसंद है मुझे हंसते हुए तुम, बस इतना ही फर्क है।
हजूर, तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम। तुम्हें बारिश पसंद है, मुझे बारिश में तुम। बस इतना ही फर्क है, मम्मा बेटा का बीच है ना। और मुझे पसंद हो तुम, तुमको सावन पसंद है, मुझे सावन में तुम। देखिए मेरा छोटू सा बैठ के मैं कर रही हूँ, वो परेशान हो रहा है, बोले मम्मा इतना कपड़ा चेंज कर रहे हो, आपको गर्म नहीं लग रहा है, बोल रहा है। इसको कितना फिक्र है। सुबह ब्रश की तो सुबह लॉन्ग था, उसके बाद नहीं चाय, उसके बाद चाय पिया, उसमें भी लॉन्ग था, फिर जाके दाल खाई, उसमें भी लॉन्ग था, फिर बिरयानी खाई, उसके बाद तुमने क्या खाया, पान, रात को पान खाया, उसमें भी लॉन्ग था, तो सब में लॉन्ग ही लॉन्ग, तो केना केता दो, तो चलो लेके लॉन्ग ड्राइव। मैं बोल दूँ, ठीक है फ्रेंड, आप लोग कंटिन्यू रहिए, मैं आ रही हूँ ड्रेस चेंज करके। देखिए मेकअप मैंने कुछ नहीं किया, हाँ आँख में ये मैंने ब्लू आईलाइनर था वो लगाया है, बाकी सब मैं उसी तरह की हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ फ्री ड्रेस चेंज करके, तो कल मिलते हैं गाइस। कल नहीं, अभी थोड़े देर, एक मिनट बाद, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, मैं ला के आ गई हूँ, ये रहा मेरा गाउन, यहाँ पर्दों वजह से दिखा रही हूँ, ये मेरा गाउन है। और देखिए इसका मैचिंग का मैंने लगाया है, ये ना ऑरेंज है ना, ये है आपका पीच कलर, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज दिख रहा है, पीच कलर है जो मैंने लगाया है गाउन। ये भी पीछे देखिए, इसका कान का भी कितना सुंदर है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे लगा के हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, पार्टी में भी जा सकते हैं, देखिए कोई ख़राब नहीं है, है ना। तो मैंने यही जो ड्रेस लगाया, इसी में मैंने थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया, वो ये फ़ायदा है, मैंने शॉर्ट्स भी दो चार बना लिया इसी कपड़े में। तो फ्रेंड देखिएगा आप लोग, और ये है। तो फ्रेंड आप, मैं इतना ही तक कलेक्शन दिखा रही हूँ, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और अर्णव को पता, वो मेरे बिना सोता नहीं है, वो तो बेचारा स्कूल से थक के आया और खाना भी ठीक से होने खा रहा है। फ्रेंड तो आ जाओ, ये तो तुम्हें मम्मा बिना नींद नहीं लग रहा है, या पापा से नींद नहीं करते करो, मैं आ रही हूँ ना। ठीक है, तो तुम यहाँ बैठो, थोड़ा सा बैठ जाओ, मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, यहाँ बैठ जाओ। फ्रेंड मैं ये बोल रही थी कि अब रात भी ज़्यादा हो चुका है, और आप लोगों को तो पता है कपड़ा चेंज करने में लगाने में टाइम तो लगता है ना, उतना नहीं लगने से फिर भी मैंने तो मेकअप कुछ किया नहीं, सिर्फ कान में डाल लिया, गला में कपड़ा चेंज किया। तो अभी कपड़ा जो मैंने निकाला था उसके लिए भी काम बढ़ गया है, और मैं अभी अर्णव को लेके जाऊंगी सोने के लिए, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है, फिर सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि अर्णव का स्कूल है ना, तो जल्दी से उठ के, वो तो अभी भी सारा जस्ट होमवर्क करके उठा है। तो देखिए कैसा लग रहा है, देखिए आपको मैं सामने से दिखा रही हूँ, कितना सुंदर है, देखिए डिज़ाइन है ना, दोनों झुमका देखिए झूल रहा है, दो झुमका घंटी जैसा है, देखिए लोग भी ये जाके लेके आ सकते हैं। मैंने पहले भी इसका एड्रेस दे दिया है, मैंने दो बार दे चुकी हूँ, मैं फिर अभी बोल रही हूँ, जो विशाल ने सिर्फ मुँह में विशाल ही आता है, बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार के ठीक ऑपोजिट देखिएगा आप नर्सरी है, फूल का नर्सरी है, उसके दो तीन नर्सरी के बाद है ये आपको मिलेगा इसका दुकान। आप बोलेंगे कि मिट्टी का ज्वेलरी दिखाएंगे, बहुत मैंने बहुत सारा आइटम है वहाँ पर, आप जाके देख सकते हैं, जाके लेके भी आ सकते हैं। फिर मुझे तो ये बहुत पसंद लगा, और कितना सारा है आप लोगों ने देखा होगा,
दिखाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। अभी फर्स्ट पार्ट में ये मैंने सिर्फ 3-4 ही ड्रेस के साथ चेंज किया, एक्चुअली किया था मेरे घर में थोड़ा गेस्ट आ गए थे इसलिए लेट हो गया, नहीं तो मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा कलेक्शन दिखाती ड्रेस के साथ। तो अभी इतना ही देखिए, ठीक है। और ठंड भी लग रही नहीं बोले क्योंकि अभी ठंड एकदम नहीं लग रहा, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे इस बार हम लोग बिना फैन बंद किए मतलब सोए, अभी भी हम लोग का फैन चल रहा है, मैं दिन में भी चलता है रात को स्लो चलता है, स्पीड नहीं जैसे गर्म दिन में स्पीड चलता है वैसे नहीं चलता है स्लो, लेकिन चलता है, अगर नहीं चलाए तो मतलब गर्म लगने लगता है, ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं पर उतना भी ठंड नहीं है। देखिए पूस का महीना लगने वाला है, एक तरफ से कितना मतलब किसी का पूर्णिमा में लगता है पूस महीना, किसी का संक्रांति में, तो एक तरफ से देखने से पूस महीना भी लग गया है और एक तरफ से देखने से कल से लगेगा पूस महीना। तो फ्रेंड कल नहीं 16 तारीख से ना, तो फ्रेंड तो मैं वही बताना चाहती थी कि आप लोग को मेरा ड्रेस और इसका जो वीडियो जो मैंने बनाया है आप लोगों को कैसा लगा जरूर 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 कमेंट कीजिएगा, आप लोग का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो देखिए आप लोग का मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मैं आप लोग को देती कि नहीं है सब मैं देती ना लाइक, तो मुझे पता है आप लोग लव बेस्ट ब्लॉग को बहुत प्यार करते हैं है ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने यूट्यूब में आके मैंने ब्लॉग बना के अपना और ज़्यादा मतलब अपना फैमिली बना लिया है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग इसी तरह मुझे बहुत सारा प्यार दें, ठीक है। और जो मेरे ब्लॉग में हो न्यू वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और कमेंट तो ज़रूर दे कि आप लोग को मेरा मतलब वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग जरूर देंगे मेरे वीडियो देखे कमेंट्स और क्या क्या करना चाहिए आप लोग को वो ज़रूर बताएंगे, मतलब मुझे आप लोग मतलब ज़रूर बताएंगे कि और क्या क्या देखना चाहते हैं मेरे वीडियो में। मैंने तो बहुत सारा थीम सोच के रखा है जो कि आप लोग आगे भी देखते जाएंगे, कंटिन्यू बहुत जल्द देखने वाले हो तो आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो में रहिए, बिना स्किप किए देखेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं तो उतना ज़्यादा मैं पहले बनाती थी लंबा वीडियो, अभी नहीं कर पा रही हूँ। और फ्रेंड बात बताए तो आज मेरा पूरा तबीयत खराब था, आज मैं सारा दिन खाना खाई भी नहीं, और मेरे फ्रेंड को भी पता है आज मैं सारा दिन सिर्फ सो के रही, मतलब आज मेरे को अच्छे नहीं लग रहा था। तो अभी जस्ट मैं आसिफ में थोड़ा सा हाफ रोटी सिर्फ खाया क्योंकि सुबह को मैंने एकदम नाश्ता नहीं खाया था, खाना नहीं खाई थी, और मैं सिर्फ चीकू होता है ना फल वो सिर्फ मैंने 2 चीकू खाया दोपहर को 12 बजे और 1 बनाना खाई, ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। तो फिर मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को चाय के साथ रोटी दिए, वो मैंने हाफ रोटी सिर्फ खाया, और सच बोले तो अच्छा भी नहीं लग रहा है मतलब शरीर थोड़ा ये लग रहा है, फिर भी मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि आप लोग का ये सिस्टर ये दीदी कैसे वीडियो बनाती है, ठीक है। और जो मेरे से छोटे हैं आंटी मौसी जो भी बोल सकते हैं मेरे अपने प्यार से मेरे को आप जो भी बुला सकते हैं है ना, प्यार का कोई नाम नहीं होता है, इसीलिए मेरे प्यारे जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली जो मेरे से जुड़े हैं वो भी, और जो मेरे परिवार में आने वाले हैं वो भी, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और मैं आप लोग को आगे भी बहुत सारा इंटरटेनमेंट कराने वाली हूँ जो अच्छा 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 है। तो क्या कहूँ, और यही कि आप लोग कमेंट्स करके मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो अगर मेरे तरफ से आपको लोग को रिप्लाई पाने में अगर थोड़ा लेट हुआ तो कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी रिप्लाई, थोड़ा सा कभी कभी लगता है मतलब कभी कभी मतलब देख नहीं पाती हूँ कि बच्चे को भी एग्जाम बिल्कुल पढ़ाना पड़ता है, जरूरी काम होता है ना फ्रेंड, आप लोगों को तो पता है। तो इसीलिए मैं अभी उतना ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रही, छोटा छोटा ब्लॉग कर रही हूँ वो भी खास करके आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड ये रहा आप में ये रहा क्या ये रहा कितना सुंदर, देखिए मेरे हस्बैंड ने बहुत सुंदर मिट्टी के जलेबी दिए हैं, बहुत सुंदर है। और मैं सोच रही हूँ इस बार पिकनिक में यही मैं लगाऊंगी, और 25 दिसंबर जो आ रहा है क्रिसमस डे वो तो बहुत अच्छा लगता है उसमें भी है ना, तो बच्चे लोग का भी छुट्टी होगा, और अर्नब का एग्ज़ाम है 21 से 24 तक, मतलब 4 दिन में 8 एग्ज़ाम 2-2 करके कंप्लीट हो जाएगा, 25 को हम लोग
आप क्रिसमस डे मनाएंगे है ना, हम लोग क्यों सब जन मिलकर मनाएंगे क्रिसमस डे, हम लोग तो सभी फेस्टिवल मनाते हैं है ना। तो फिर मैं अब रख रही हूँ ज़्यादा बकर 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 ना करते हुए, और तब अपने पापा के साथ अभी है वो बेचारा कब से मेरे को बुला रहे कि मम्मा चलिए ना चलिए ना, और आधी हो चुका है और अर्थव हम लोग तो खाना खा ले बहुत ही पहले। तो फ्रेंड मेरा आँख सिर्फ घड़ी के कांटा में खाली जा रहा है, रात हो चुका है, तो मैं अभी रख रही हूँ, फिर मिलेंगे आप लोग से एक न्यू फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आप लोग हैप्पी रहिए, खुशी रहिए, एकदम मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए, और इस ठंड में अपने को भी बचाइए और खुद भी बचिए, क्योंकि हमारे यहाँ उतना ठंड नहीं लग रहा, बहुत जगह बहुत ठंड पड़ी, जैसे हमारे गांव में भी कह रहे कि बहुत ज़्यादा जा रहा है, पर वहाँ देखिए ऐसे कपड़ा जो मैं लगाई हूँ आप लोगों को नहीं लग रहा कि मुझे ठंड नहीं लग रही है, और सिर्फ उस दिन एक दिन सिर्फ लगा था ठंड, जिस दिन मैं जैकेट लगा के रोटी बना रही थी उसी दिन ठंड लग रहा था, फिर अभी ठंड नहीं लग रही है घर का अंदर भी। हाँ, बाहर जाने से ठंड है, बाहर जाने से तो स्वेटर जैकेट लगाना पड़ता है, तो वही चीज़ है, छोटे छोटे बच्चों को एकदम कपड़ा वपड़ा ओढ़ा के रखिए, अगर घूमने भी जा रहे हो तो बच्चों को थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद का भी ध्यान रखिए। तो लव बेस्ट तरफ से, लव बेस्ट ब्लॉग की तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार, ठीक है, तब तक के लिए, जब तक कल नहीं मिलते हैं तब तक के लिए गुड नाइट।